श्री गंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में रिटायर्ड थानेदार रामकुमार कसवा के बेटे पर फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल चहल चौक के पास कसवा के बेटे हिमालय पर दो बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे हिमालय के सिर में गोली लग गई। इस घटना के बाद परिजनों ने हिमालय को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारी और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने बताया कि आशीष हत्याकांड में हिमालय मुख्य गवाहों में से एक था और उसे बयान नहीं देने को लेकर लगातार धमकियां भी मिल रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।